तो हेलो दोस्तों, वाइस यार इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये व्यू दिखाना था, है ना जबरदस्त। तो भाई, आज हम आ रखे हैं जड़ौदा कला निपुण डागर भाई के पास, उनकी कार का ओनरशिप रिव्यू करने। तो भाई, चलते हैं सीधा भाई की कार के पास। तो भाई, ये है निपुण भाई की कार। जितने भी कार लवर हैं वो तो पहचान ही गए कि कौन सी गाड़ी है। बाकी निपुण भाई से मिलते हैं और जानते हैं भाई गाड़ी के बारे में, कौन सी गाड़ी है और कौन सा मॉडल। तो स्वागत है निपुण भाई आपका हमारे YouTube चैनल में। कैसे हो भाई आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हो आप? भाई बढ़िया। अब भाई, जितने भी अपने कार लवर है वो तो सिनेमेटिक शॉट देख के पहचान ही गए कौन सी गाड़ी है, पर भाई फिर भी हमारी पब्लिक को आप बताएंगे ये कौन सी गाड़ी और कौन सा मॉडल। ये क्रेटा है, बेस मॉडल ई मॉडल है ये, ब्लैक में। अच्छा जी। और ये मैंने पिछले साल परचेज की थी। अच्छा, पिछले साल। तो कितनी चला दी है भाई आपने ये? अराउंड 10,000 के आसपास ये चल रही है अभी रिसेंटली। तो भाई, ये पिछले साल खरीदे तो उस टाइम तो काफी वेटिंग में रही होगी ये गाड़ी। हाँ, उस टाइम पे 8-9 महीने की वेटिंग थी, पर मैं मेरे को मिल गई थी 17-18 दिन में। अराउंड मैंने बुकिंग कराई थी मार्च में, अप्रैल में मेरे को ये गाड़ी डिलीवर हो गई थी। अच्छा, जुगाड़ लगाया था आपने ना? हाँ, थोड़ी बहुत जान पहचान थी तो उससे मिल गई थी ये गाड़ी मेरे को, जल्दी मिल गई थी। गाड़ी के साथ आपको ऐसी कुछ चाबी देखने को मिल जाती है जो कि बेस मॉडल की लगती भी नहीं है। इसमें कंपनी ने आपको एक फ्लिप की दी हुई है, जो ऐसे प्रेस करेंगे ये ऐसे ओपन हो जाएगी। एक लॉक का बटन दिया हुआ है, एक अनलॉक का बटन दिया है, और बाकी आप इसको बूट वाले को दबा के रखेंगे तो ये बूट भी अनलॉक हो जाएगा। 2-3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो ये आपका बूट अनलॉक हो गया। मतलब जबरदस्त फीचर दिया हुआ है देखा जाए तो क्रेटा में। अब निपुण भाई से बात करते हैं गाड़ी के बारे में कि भाई ने क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखे हैं। तो चलते हैं भाई स्टार्टिंग में। बिल्कुल भाई, फ्रंट से बात कर लें तो भाई ने देखो इसमें ग्रिल भी लगवा रखी है जो इसके लुक को और इनहेंस कर रही है। तो भाई से जानते हैं, भाई ये जो ग्रिल है ये आपने क्या आफ्टर मार्केट लगाई है या कैसे कंपनी से आई है? ये ग्रिल आफ्टर मार्केट में है, इसके साथ साथ मैंने इसमें एलईडी। अच्छा, तो ये भाई आप देख लो, जैसे भाई ने इसमें बता रहे हैं एलईडी। भाई ये कितने वोट की है? भाई ये 65 वोट की है ये। अच्छा, और बाकी इसमें भाई आपका जो ये फॉग लाइट है, भाई ये फॉग लाइट में भी कुछ लगाया आपने? ये फॉग लाइट ओरिजिनल है जो टॉप मॉडल। अच्छा, टॉप मॉडल की आती है ये एलईडी? है ये एलईडी। अच्छा अच्छा, टॉप मॉडल। और इसके साथ साथ मैंने इसका फ्रंट बम्पर। अच्छा, तो भाई देख रहे हो भाई ने इसका फ्रंट बम्पर भी चेंज कराया। तो भाई इसकी कॉस्टिंग बताएंगे पब्लिक को, ये क्या कॉस्टिंग पड़ेगी इसकी बम्पर की? 6500 के आसपास है आगे और पीछे का दोनों का मिला। अच्छा, बैक साइड। तो ठीक है, बैक साइड भी दिखाएंगे आपको। और ये ग्रिल का जो रेट है वो क्या रेट पड़ गया था भाई? अप्रोक्स 6,000 के आसपास में। अच्छा, ये चेंज हुई थी उस टाइम पर। भाई इससे लुक देखा जाए तो लुक बड़ा इनहेंस हो जाता है, जो देखने में जो इसका लुक निकल कर आता है। एक तो भाई ये ब्लैक ब्यूटी है, ऊपर से भाई ने जो ग्रिल चेंज करवाई है उसके बाद जो गाड़ी का लुक आता है ना भाई, वो एक नंबर आता है। अच्छा भाई, तो फ्रंट में भाई आपने अभी सिर्फ यही मॉडिफिकेशन कराया हुआ है? मॉडिफिकेशन कराई है। तो भाई अब साइड की तरफ आ जाते हैं, तो भाई इसमें आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखे हमारी पब्लिक को आप बताएंगे? मैंने साइड में इसमें बस थोड़ा सी मॉडिफिकेशन रूफ रेल लगवाई है। अच्छा, तो भाई ये रूफ रेल है जो इस गाड़ी का लुक और इनहेंस कर रही है। अच्छा भाई, और मैं रेन वाइजर लगवाए हैं इसमें साइड। अच्छा, में रेन वाइजर। हाँ भाई, बारिश का टाइम देखो आने वाला है तो रेन वाइजर तो भाई मस्ट है। और मैंने हैंडल क्रोम हैंडल कराए हैं इसमें। अच्छा, ये क्रोम हैंडल। तो भाई ये इसमें क्रोम हैंडल में कभी रस्ट वगैरह नहीं लगता? नहीं, कभी इनमें अभी तक तो लगा नहीं है और मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई अभी तक। जैसे हैं, जैसे लगवाए थे वैसे ही वैसे अभी तक है। अच्छा, तो भाई ने इसमें सार्फिन एंटीना भी लगा रखा है। तो भाई ये कैसे आफ्टर मार्केट लगाए थे भाई ये आपने? आफ्टर मार्केट है बट ये ओरिजिनल है ये। अच्छा, क्रेटा का ओरिजिनल है जो टॉप मॉडल में आता है ये, वो है। क्या कॉस्ट पड़ गया था भाई इसका? शायद से 1,000 रुपए के आसपास था ये। तो देखो भाई, आपको इसमें स्पॉइलर कंपनी फिटेड मिल जाता है जो एक पॉजिटिव पॉइंट है हुंडई क्रेटा का। अब आपको भाई देखो बैक साइड पे आ जाते हैं, कुछ ऐसा व्यू लगता है हुंडई क्रेटा का ई बेस मॉडल। तो भाई इसमें कुछ बता रहे थे हमको कि इसमें भाई ने कुछ नया मॉडिफिकेशन कराया है, तो भाई से जानते हैं भाई इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कराया हुआ आपने? इसमें मैंने बैक पे बम्पर लगवाया है जो फ्रंट और बैक दोनों का मिलता है साथ में। अच्छा, ये भाई जैसे देख पा रहे हैं ये भाई ने आफ्टर मार्केट लगाया, कैसे भाई कंपनी से लगाया? आफ्टर मार्केट है ये। अच्छा, बाकी और भी कुछ मॉडिफाई करवाया? इसमें बैक कैमरा लगवाया है। अच्छा, तो ये भाई ने ये इसमें देखो ये बैक कैमरा लगाया जैसे आपको दिख रहा होगा कैमरे में। तो भाई इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ गई थी ये? इसकी कॉस्ट अराउंड 1,500 के आसपास थी। अच्छा, ये भी भाई आफ्टर मार्केट लगवाया था? आफ्टर मार्केट में ये है। देखो साइड व्यू भाई की गाड़ी का कुछ ऐसा आता है। और भाई इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर दे तो इसमें भाई 190 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो काफी अच्छा है। भाई ये जो 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें भाई कभी दिल्ली के रोडों पे आपको कभी मतलब नीचे वगैरह लगी नहीं इसमें? नहीं, कभी नहीं। मैंने तो ऑलमोस्ट मैं पहाड़ों पे काफी चलाई है गाड़ी। अच्छा, तो वहां पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। चलो भाई ये तो बात बढ़िया है।
तो भाई आप चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और भाई से जानेंगे भाई ने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखा है। तो भाई अंदर से कुछ ऐसा इंटीरियर है क्रेटा का, निपुण भाई से जानेंगे भाई ने इसमें गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखा है। तो निपुण भाई हमारी पब्लिक को बताएंगे भाई आपने अंदर से इंटीरियर में इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखा है। मैंने इसमें क्रोम हैंडल चेंज कराए हैं, जिसमें प्लेन आते हैं, प्लेन ब्लैक। अच्छा, ये प्लेन आते हैं, भाई ने इसमें क्रोम लगाया, तो भाई इसका क्या रिस्पॉन्स है? इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, गाड़ी अंदर से देखने में काफी अच्छी लगती है इसमें। अच्छा, और क्या मॉडिफिकेशन करवा रखे हैं भाई आपने? साथ साथ मैंने इसमें हैंडल में चेंज करा रखा है, जितने भी कंट्रोल्स हैं, जितने मोड्स हैं, वो सब चेंज करा रखे हैं। तो भाई आप ये देख पा रहे हैं भाई ने जो ये मोड्स हैं ये आफ्टर मार्केट लगाए हैं, कंपनी से नहीं आते। अच्छा भाई, और क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखे हैं? साथ साथ मैंने इसमें सनग्लास होल्डर लगवाया है, जो कि आफ्टर मार्केट है, कंपनी से नहीं आता है इसमें। अच्छा, तो भाई ये सनग्लास है ये भी भाई ने आफ्टर मार्केट से लगाया है, इसका देखो भाई इसका रिस्पॉन्स कैसा भाई? काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा भाई, वैसे बेस मॉडल में तो ये आपकी लाइट्स भी नहीं आती, ये भी आपने भाई लगवाई है? ये पूरा सेट होता है, जो पूरा चेंज होता है, बेस मॉडल में प्लेन आता है। तो भाई ने स्टीरियो भी देखो मॉडिफाई करवा रखा है। तो भाई ये आपने आफ्टर मार्केट कराया था, कैसे कंपनी में लगवाया था? ये आफ्टर मार्केट है, ये भी, ये जो टॉप मॉडल में आता है सेम वही है, बट ये आफ्टर मार्केट है। अच्छा, तो भाई इसमें क्या क्या मॉडिफाई करवा रखा है स्टीरियो में आपने, कंपोनेंट जैसे ट्विटर वगैरह क्या क्या लगवा रखे हैं भाई इसमें? इसमें मैंने डीडी के कंपोनेंट और कोएक्सेल आगे कंपोनेंट, पीछे कोएक्सेल डीडी के हैं, साथ साथ इसमें ट्विटर भी डीडी के ही हैं। अच्छा, तो भाई इसमें डैम्पिंग भी करवा रखी आपने? इसमें टू लेयर डैम्पिंग है चारों दरवाजों में। अच्छा, तो भाई देखो कैसे सॉलिड हो जाते हैं डैम्पिंग करवाने के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेक्स की। तो इसमें आपको 1.5 लीटर का MPI 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि पावर जनरेट करता है 113 BHP हॉर्स पावर और 144 नैनोमीटर ऑफ टॉर्क। साथ ही इसमें ऊपर आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाता है, जिससे आपकी कैबिन नॉइस काफी कम हो जाती है और कंपनी इसमें 15 से 16 का माइलेज क्लेम करती है। टायर प्रोफाइल की बात कर ले तो 205/65 R16 देखने को मिल जाता है आपको इसमें। भाई अंदर इंटीरियर की बात कर ले तो कुछ ऐसा व्यू है गाड़ी का क्रेटा ई बेस में। सामने आपको इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखने को मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आपको RPM शो करता है, राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर और जो फ्रंट में वो आपको MID शो करता है। बाकी स्टेयरिंग की बात कर ले तो कुछ ऐसी डी शेप में आपको स्टेयरिंग मिल जाती है, जिसमें भाई ने मॉडिफाई करवा रखा है ये स्टेयरिंग्स में, जैसे आपका ये क्रूज कंट्रोल वगैरह सब भाई ने आफ्टर मार्केट लगाया है। राइट साइड में आपको देखने को मिल जाता है सारे ये ORVM के कंट्रोल, जो कि कंपनी से ही बेस मॉडल में ही आते हैं। ये आपका लॉक अनलॉक का बटन, चारों पावर विंडो के बटन। और अब भाई बात कर लेते हैं साइड पैनल की, तो ये आपका एसी वेंट है, ये मैनुअली एसी वेंट है। और इसके नीचे बात कर लें तो भाई आपको इसमें मिल जाता है 12 वोल्ट का शॉर्ट चार्जर। और बात कर लें गियर नॉब की तो 6 मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर नॉब मिल जाता है आपको, जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। और अब साइड में चलते हैं भाई, ये आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और ये इसका हैंड ब्रेक मिल जाता है। और ये खास बात है ई बेस मॉडल में, क्रेटा की ई बेस मॉडल में आपको कंपनी से ही आपको ये आर्म रेस्ट मिल जाता है, जिसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। अब साइड की बात करें तो भाई आपको ऐसा कुछ व्यू है, ये आपका ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसकी स्पेस ठीक ठाक है। और IRVM की बात करें तो ये डे नाइट वाला आपको IRVM मिल जाता है। रियर साइड की बात कर ले तो इसमें आपको दोनों साइड पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, बोटल होल्डर है, एसी वेंट है, फोन होल्डर है, अच्छा लेग स्पेस आपको मिल जाता है, थाई सपोर्ट है। और कुछ ऐसा व्यू है रियर साइड से। अब बात कर ले इसके बूट स्पेस की, तो इसमें आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो काफी ह्यूज है, आप इजिली अपना सामान रख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।